प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंबिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वन जब एक प्रोड्यूसर दो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उसको एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी उसको कौन सा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और ये इस में उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट एंड दिस प्रोफिट मैक्सिमाइजिंग कंबिनेशन ऑफ आउटपुट कैन बी ऑबेन बाई इक्वेटिंग स्लोप ऑफ आइसो रेवन्यू कर विद स्लोप ऑफ

और हमने यहां पे यूज किया था इसके लिए टर्मिनोलॉजी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और जब हमने स्लोप ऑफ़ आइसो रेवेन्यू की बात की थी तो हमने कहा था दिस इज प्राइस ऑफ़ टू दैट आर प्रोड्यूस बाई फार्मर और इस केस में ये क्या थी इट इज इक्वल टू माइनस पी वी ओवर पी एफ अब अगेन इसी हाइपोथेटिकल टेबल को यूज करते हुए हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कम्बिनेशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और अगेंस्ट दो कम्बिनेशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम साथ में रिपोर्ट कर रहे हैं रेवेन्यू को हाँ जी रेवेन्यू किस चीज़ के इक्वल था हमने कहा था वी कैन ऑप्टेन रेवेन्यू बाय मल्टीप्राइंग प्राइस ऑफ फ्रूट विद क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्लस प्राइस ऑफ वेजिटेबल विद क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स जी जो कम्बिनेशन ए है अगर मैं वहाँ पे 135 को 20 से मल्टीप्लाई कर दू तो मेरे पास ट्वेंटी सेवन हंड्रेड आएगा लेकिन यहाँ पे वेजिटेबल्स की क्वांटिटी क्या है इट इज इक्वल टू जीरो के जीरो को जब मैं टेन से मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या होगा इट इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में रेवेन्यू क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड फिर इसी तरह ये मैं रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहा हूं अगेंस्ट डिफरेंट कम्बिनेशन कम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और इसके बाद वाले कॉलम में आपके पास है मार्ज रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एज़ वू अगर मैं एप्सुलू टर्म्स में इस टर्म को देखूं तो क्या हो रहा है आपके पास मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज़ेस एज वी मूव डाउन अलोंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और यहीं पे रेशो ऑफ प्राइस ऑफ वेजिटेबल एंड प्राइस ऑफ फ्रूट जो मैं रिपोर्ट करूँ वो क्या है देट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव के प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज इक्वल टू टेन प्राइस ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू ट्वेंटी जब मैं टेन को ट्वेंटी पे डिड करता हूँ इट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव हाँ जी इस डायग्राम में अगेंस्ट कम्बिनेशन सी मेरे पास क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज लेस देन ऑफ ऑफ प्राइस टू आउटपुट लेकिन अगेंस्ट कम्बिनेशन डी क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो ऑफ टू एग्रीकल्चरल आउटपुट तो आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन कहाँ पे होगा दैट विल लाई समवेयर बिटवीन कंबिनेशन सी एंड डी जी अगर आप सी कंबिनेशन के अगेंस्ट देखो तो मैक्सिम रेवेन्यू क्या है इट इज इक्वल टू टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी और डी कंबिनेशन पे क्या है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्स लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंबिनेशन पे आएगा बिटवीन दीज टू कंबिनेशन अब अगर इसी चीज को हम ऑबटेन करना चाहें बाय यूजिंग अ डायग्राम तो यहां पे सबसे पहले हम यहां पे आपको शो कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और अगर मैं कहूं कि दिस इज दी दिस इज एन आइसो रेवेन्यू कर जो आपको क्या रिपोर्ट कर रही है इट रिपोर्ट द रेवेन्यू ऑफ द फर्म सेम लेवल ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ आउटपुट लेकिन यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सिस हाँ जी अब ये जो मैक्सिमम कंबिनेशन ऑफ टू आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें से फार्मर किस कंबिनेशन को चूज करेगा ही चूज देशन ऑफ आउटपुट आइसो रेवन्यू को आउटवर्ड शिफ्ट करूं तो ये किस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है कि इट बिकम टेंजेंट विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एट पॉइंटी सी डी इज अ कंबिनेशन ऑफ आउटपुट वेयर फार्मर कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट और यह आपने किस तरह ऑप्टेन किया वी ऑप्टेन दिस सी डी कंबिनेशन बाई इक्वेटिंग मार्जन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन विद प्राइस रेशियो ऑफ टू आउटपुट